जैसा साइन ना बारी का ना एक बार का बारी युद्ध धर्म सिंह भी तो बारी है। अच्छा ये दूसरे हल्के का तीसराने का एक की बार जिताना नहीं यू मन बदल गया बिल्कुल बदल गया मोदी के नाम पर बदल गया बढ़ाना के नाम मोदी के नाम पर तो बदल गया बढ़ाना के नाम पर बदल गया। अच्छा हाँ ये नरम खानदान और ठीक काम करने वाला खानदान और ठीक रहेंगे वही ठीक काम करे ना वोट मिलने के बाद ना ना इसकी गारंटी है इन्हें तो कह दिया कि हम तो टिकेंगे नहीं और बोली छोरे ने कह दिया बीजेपी ने दे दी मरते सहना बूती मेरे ऊपर तो ताना स्याही खत्म कर दी। पहले कौन सा दिक्कत में आ रहे थे पहले तो मारे मुंह पर रपटे मारे थे बड़े बड़े चौधरी। अच्छा अरीब को ने लग दे दी तो बीजेपी यार तो महंगाई के लग रहे रैपट महंगाई तो महंगाई ने रोक कौन देगा या तुम्हारी हो सकता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे राहुल गांधी ने के बेरा तो बेचारा हो सही उन्हें बेरा ही नहीं जाएगा पता उन्हें नहीं बेरा तो बोला है तो क्यों रखे के बयान दे खड़े हो जमा अमेरिका में जाएगा यार के बड़े बड़े विदेश बुला रहे हैं उन्हें अपने पास मगर अमेरिका में जाएगा अपने देश ने बसरावा जो आदमी है क्यों बोले आदमी नहीं है वो आदमी कौन है जिन्हें नौजवान है वो नौजवान नौजवान ऐसे नौजवान तो बतेरे और जी ने बाहर देश में देश बस रह दिया। हरियाणा की राजनीति हमेशा कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाती है। 2019 के भी चुनाव देखे थे और अब की बार 2024 के भी विधानसभा चुनाव है लेकिन इस समय मैं एक ऐसी सीट पर हूँ जो हमेशा चर्चाओं में बनी रही है। वो चर्चा में क्यों रही क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने अपना वर्चस्व कभी नहीं किया। आज तक भी बीजेपी ने अपना यहाँ पर खाता नहीं खोला। अब खाता अब की बार खुलता है कि नहीं खुलता है क्योंकि बात है करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना की। उनको टिकट दे दिया लेकिन बाहरी टिकट दे दिया। यहाँ के लोग नाराज भी हैं कोई खुश भी है कोई कहना है कि मोदी को वोट दे रहे हैं लेकिन एक सामने मील का पत्थर है जो कि धर्म सिंह छोकर है। अब यहाँ पर जो जनता है उनसे ही बातचीत करते हैं हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और हरियाणा में तो कहा जाता है कि हुक्का सबसे ऊपर है तो यही बातचीत करते हैं। क्या नाम है ताऊ जी? नाम है राजेंद्र छोकर। अच्छा राजेंद्र जी एक बात बताओ सरपंच नराना। अच्छा जी एक बात बताओ यहाँ पे आज तक बीजेपी ने अपना कभी वर्चस्व नहीं किया क्या लग रहा अब की बार कुछ होगा फूल खिलेगा या फिर अब की बार भी हाथ चलेगा? ऐसा ये गांव जो है संभाल के हल्के का पहला गांव है ये। अच्छा मतलब यहाँ से शुरू होता हल्का संभाल का और राणा माजरा तक हल्का है वो जाता है 85-86 गांव है इस हल्के में। तो यहाँ से लगभग 4 बार इलेक्शन में धर्म सिंह छोकर जीतता रहा है इस गांव से ठीक है लेकिन बनिया 2 बार है। अच्छा जीतता इस गांव से 4 बार है। एक बार इसका भाई जीतया था 3 बार यू जीतया जाता है आरी भी मतलब बनिया सिर्फ यू 2 बार आया था। अच्छा। लेकिन यहाँ से इब की बार मनमोहन भड़ाना जीत जीत की तरफ जा रहा है। अच्छा। बीजेपी का परचम ला रहा है बहुत अच्छी वोटर से नराना गांव जो है लगभग 80% मनमोहन भड़ाना को वोट डाल रहा है और अपनी मर्जी से डाल रहा है लोगों का मूड बन गया। अच्छा हाँ कह रहे मूड तो ये भी हो रहा ना कि वो फरीदाबाद कौन जावेगा बार बार उनसे बात करने के लिए यहाँ तो मिलते नहीं यहाँ कभी दिखते नहीं। वो बात ये होगी वो जो चौधरी करतार सिंह भड़ाना थे ना वो तो थोड़ा अपना बिजनेस करिया रहे थे वो कम भी लेते यहाँ। अच्छा। लेकिन ये लड़का जो है उसका लड़का है ये इन्हें ये वायदा कर लिया है मेरी कोठी है कोठी नहीं की आई है यहाँ कई सालों से संभाल के मैं तो इन्हें कहा अभी मैं यहाँ लगातार रहूंगा यहाँ मेरे बच्चे भी यहीं रहेंगे मैं भी यहीं रहूंगा। अच्छा। और यहाँ से किसी किस्म की किसी भी आदमी कोई शिकायत नहीं आओगी बिल्कुल भी तो इस वजह से लोगों ने विश्वास हो गया पूरा भाई मनमोहन भड़ाना को यहाँ से अच्छी वोटों से जिताओ। लेकिन ये भी तो कह रहे कुछ लोग नु कह रहे जिसके पास अमेरिका का टिकट होगा ना वो तो कहीं के कहीं पहुंच ले तो पहले भी अमेरिका रह के आ रखा फिर चला जाएगा जीतते ही वहाँ ना वो तो रह रू कहते हैं छिक ली अमरीका तो ये तो ही ना मतलब यहाँ यू काम करना है विकास करना मनमोहन भड़ाना तो यहाँ और ये जो करतार भड़ाना है इसने भी बल्कि अच्छा काम किया पीछे 96 में बनिया था 2000 में बनिया यू लगातार 2 बार बनिया और एक और यहाँ रिकॉर्ड है संभल के हल्केगा इस हल्के में संभल के मैं मतलब या तो विधायक बनिया 1 बार और या विधायक बनिया 2 बार तीसरी बार वाले कोई बनिया भी नहीं यहाँ तीसरी बार नहीं बना रिकॉर्ड है यू। अच्छा हाँ देख यहाँ से 1947 में देश आजाद होया 1947 में देश आजाद होया तो सबसे पहले यहाँ विधायक चुना गया संभल के से समर सिंह सिंह पाथरी का दाओ उसके बाद विधायक चुना गया यहाँ इलेक्शन से 1952 में मूलचंद जैन करनाल का बनिया था वो उसके बाद विधायक चुना गया यहाँ था इसके आजाद विधायक धर्म सिंह राठी। अच्छा। मूलचंद जैन तो कांग्रेस से बना था धर्म सिंह राठी बने आजाद से वो 1957 में बनिया उसके बाद फिर विधायक बना चौधरी चूड़ सिंह इसी गांव का मेरा पिताजी था। अच्छा हाँ
तो यहाँ से मतलब गुजरोगा सबसे पहला विधायक गुजरोगा वो है संभल के हल्के का, और हरियाणा का भी सबसे पहले विधायक वो है, क्योंकि हरियाणा जी बल्ब है 1966 में, तो 4.5 साल तो पंजाब का विधायक रहा हो और 6 महीने रहा हरियाणा का, तो फिर उसके बाद यहाँ विधायक चुनेगा। 67 में चुनाव रणधीर सिंह आट्टा, वो बीजेपी से विधायक बना रणधीर सिंह आट्टा, जनसंघ होती थी उस टाइम ये। फिर उसके बाद 1972 में 1968 में चुनाव एक साल बाद मध्यवती, फिर बाबू कटार सिंह पट्टी कलियाने से बनाया विधायक, फिर उसके बाद 72 में होया चुनाव, 72 में ऋषि नलवाऊ जागा था वो मतलब यहाँ से विधायक बनया, फिर 77 में मूलचंद जैन दोबारा बनया विधायक, यहाँ दो बार मूलचंद जैन हो गया, फिर 82 में कटार सिंह बने कांग्रेस से, वो भी दो बार हो गया, फिर 87 में त्यागी जी बनया यहाँ अथवाले का, वो एक बार बनया, 91 में फिर हरीश नलुआ बनया, वो भी दो बार हो गया, 96 में और 2000 में लगातार चौधरी करतार सिंह बढ़ाना बनाया यहाँ, और उसकी मदद करी लोगों ने खूब, और हमने खूब उसकी तय दिल से मदद करी, वो दो बार यहाँ मंत्री भी रह गया, कोऑपरेटिव मंत्री रहा, और बड़े अच्छे काम करे हमारे गाँव में, दो काम उन्होंने बहुत बढ़िया करे थे करतार सिंह बढ़ाना ने, एक तो हमारे गाँव का जो इंद्राणा गाँव है वो लगभग इस गाँव की 5-6.5-6 हजार वोट है, इस गांव के लोग जो थे सोसाइटी होती थी खार उठाने की, वो सोसाइटी साथ के गांव से लाते थे खार, सोसाइटी वहां थी, वहां वो सोसाइटी चौधरी करतार बढ़ाना ने इस गांव में दरवाई थी। अच्छा। उसका ये फायदा हुआ गांव ने, सारा काम यही बन गया। अच्छा। और एक काम और चौधरी करतार बढ़ाना ने बहुत बढ़िया कराया, उन्ना मतलब यहाँ उसकी कोऑपरेटिव बैंक खुलवा दिया अंदराने गाँव में। अच्छा। 5-4 गांवों ने बहुत फायदा हुआ इस बैंक का, उस सारे गांव। ये भी तो कह रहे धर्म सिंह छोकर ने भी तो बतेरे काम कर दिए, आपका तो बेटा ही है वो। हाँ, धर्म सिंह छोकर जो है ठीक है, हमारा गुंडी भाई है। हाँ। और जैसा इन बारी का ना, एक बार का बारी यू धर्म सिंह भी तो बारी है। अच्छा। यू दूसरे हल्के का, इसराने का। अच्छा। यू टिटाना गाँव जो है इसराने हल्के में पड़ा, इसराने से है। हाँ, इसराने से, लेकिन यहाँ दो बार बन गया यू। और जैसा ना काम करे है, 5-4 काम करे, हमने नाटक दोष बात है, काम करे में इसके काम भी दिखा है, जैसा चेक काम करे ना, 4 बरिश गांव ने जता दिया यू, और दो बार नहीं जिताना, एक की बार जिताना नहीं यू, मन बदल गया, बिल्कुल बदल गया, मोदी के नाम पे बदल गया है, बढ़ाना के नाम, मोदी के नाम पे तो बदल गया, बढ़ाना के नाम पे बदल गया। अच्छा। हाँ, यू नरम खानदान, ठीक काम करने वाला खानदान, ठीक रहेंगे और ठीक काम करे ना वोट मिलने के बाद, ना ना इसकी गारंटी है, इसने तो कह दिया कि हम तो टिकेंगे नहीं, और बोली छोरे ने कह दिया चले जाओगे फरीदाबाद, फिर गाड़िया भर के ना ना, जो जो फरीदाबाद चले गए हम छो आ जाएंगे इसमें, और बोल। अच्छा। हाँ, जो यूरा गल के छोटे चले गए उस बात ने भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वोट के लिए याद कर रहे हो फिर उसके बाद भूल। ना 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 ना, इसने मतलब इन्हें कह दिया मैं उड़ी रहूंगा पट्टी है मेरी उड़े। अच्छा, यही रहेंगे तो है जी। क्या नाम जी? विनोद है जी। विनोद जी, क्या लग रहा क्या होगा? बढ़ाना साहब आएंगे, बढ़ाना साहब आएंगे, इनके चक्कर में ना बोल लो सरपंच साहब कुछ नहीं कहेंगे, इनके चक्कर में कुदरती हवा बन रही बीजेपी की, बीजेपी ने अच्छे काम कर रखे। अच्छा। हाँ जी, ये जो 6,000 रूपए भी तो मिलेंगे, क्यों छोड़ रहे 6,000 रूपए? 6,000 का घाटा, वो कहाँ से जाएंगे जमींदारों से लिए जाएंगे 6,000 भी, और टैक्स लगेगा हिमाचल में पूरा नहीं होया आज लग। अच्छा। 3,000 जाओ, आगे आ जाओ, माँ क्यों चिल्ला रहे, यहाँ बताओ। 6-6 महीने हो गए हिमाचल में तनखा दो, वहाँ बैठे रोड पर कर्मचारी सारे, वहाँ दे दो ना, यहाँ तो 3 रुपए महंगा पेट्रोल और डीजल, वहाँ यहाँ 3 रुपए सस्ता है। भूल गए 13 महीने वहाँ बैठे थे बॉर्डर पे, जब भी जाए थे इन्होंने लट बजा के बाहर काट दे बीजेपी वालों ने, कांग्रेस की सरकार में भूल गए रहे, तो मंडी में सिलेंडरों के ऊपर बैठे रहे थे, भूल गए सुना हूँ के तो बढ़िया काम चला, घर में सिलेंडर मिला उनके घर में, सर महंगाई भी तो मिला घर में, आ गए यू 6,000 अपने घर देगा, कब खाए थे प्याज है, प्याज कब खाए थे, खा लग रहे रोज खावा कती, महंगाई इतनी हो रही ढेर, कुछ नहीं हो रही महंगाई इतनी, सिलेंडर तो मिले मिला है। एक बात और देखने बोले भाई, दो पहलो मान लिया बच्चे लग गए नहीं देगी, एक ही उसके, एक ही उसके लग गया थे, एक मतलब उसके डिस्ट्रिक्ट के, या तो लग गए शुरू में तो लग गए उसके ही सार गए, फिर लग गए सरसा गए, फिर बियानी गए, फिर रोहतक गए। अच्छा, ये भी यहाँ पूरे मतलब पूरे हरियाणा में मतलब ये है, गांव के लो हमारे गांव के 85 बच्चे लाग लिए, और बगैर खर्ची पर बेरोजगारी भी तो बढ़ा दी इतनी, अरे क्या मैं बढ़ा दी, क्या मैं बढ़ा दी मेरे बेरोजगारी रहा बता, तो एक बार 85 बच्चे ला के बिना बिना रेशे से ला के, रेशे से जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ सब नौकरी पे लाग रहे हैं, वहाँ भी तो बेरोजगारी है, हमारे से ज्यादा बेरोजगारी है वहाँ। बीजेपी ने ऐसा दे क्या दिया लोगों को, कह रहे बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं करा,
यहाँ के हरियाणा के पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा दुख झेले। बीजेपी ने दे दी मारते सहानुभूति, मेरे ऊपर तो तानाशाही खत्म कर दी। पहले कौन सा दिक्कत में आ रहे थे? पहले तो मारे मुंह पर रपटे मारे थे बड़े बड़े चौधरी। अच्छा, अरीब को न लग दे थी बीजेपी यारी। तो महंगाई के लग रहे रैपट। महंगाई तो महंगाई ने रोक कौन देगा या तुम्हारी आवश्यकता है? पेट्रोल जा रहा देख लो कहा। पेट्रोल जा रहा है, जा रहा है। जब कांग्रेस ने इसका पिछला हिसाब नहीं करे, बीजेपी सरकार के करेगी। अच्छा, उसका कर्जा पड़ ला रहा। बिजली का बिल भी तो भरने पड़ रहे किसानों को। कांग्रेस कांग्रेस मारे को फ्री में बिजली दे रही थी। ये तो कह रहे हैं फ्री देंगे बिजली। पहले दही होता गदे हुआ, पहले दही है कदी उन हमारे से फ्री में। और उन स्टेटों में दे दो ना, जहाँ इनकी सरकार है हिमाचल में दे दो। तनखा 15 लाख भी नहीं दिए लोगों के। मोदी ने दिए, मोदी ने दिए ना हो, जिनके दो रहे थे उनके तो काट लिए। और वो खटाखट इन वो खटाखट पूरी कर दी गए। खटाखट मिलेंगे 6,000 रुपए कह तो दिया, तुम्हें भी मिलेंगे। कड़ा मिलेंगे 6,000 रुपए, पिछले 8.5 नहीं मिले। सारे पे भी आवेंगे 3,000 रुपए में काम नहीं चलता। वो 8.5 नहीं मिले पिछले खटाखटाले कड़ा है वो रो लोग। कहते रहे हरियाणा में मिल जाएंगे 6,000 रुपए, झूठ पेंशन मिलेगी एकदम जीतते ही। बोला झूठ बोला, ये तो ये जो या पार्टी बीजेपी है सही धरती से मिलकर काम कर रही है यार। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे राहुल गांधी ने के बेरा हो तो बेचारा हो सही, उन्हें बेरा ही नहीं जाएगा पता। उन्हें नहीं बेरा तो बोला तो के बयान दे खड़े जो अमेरिका में जाएगा। बाहर के बड़े बड़े विदेश बुला रहे उन्हें अपने पास, मगर अमेरिका में जाएगा अपने देश ने बसरावा जो आदमी है गया बोले। आदमी नहीं है वो आदमी को नौजवान है, वो नौजवान नौजवान ऐसे नौजवान तो बतेरे बाहर देश में देश बस रह दिए जी। सब यहाँ हो थार में ज्यादा जोश है आगे जो। हाँ बताओ, उस नौजवानी में ये सरपंच भी है। अच्छा हाँ, उस 55 साल का है यू भी। अच्छा 55 साल के ही हो आप भी। चलो 55 का नहीं 60 का होगा मैं तो। फिर मतलब कहने का ये बात उसकी ठीक नहीं लगी हमने। अच्छा उन्होंने तो बेरा ही नहीं तो बोला क्या रखना है कड़ी आंख मारता है। अच्छा कड़ी कुछ करता है, कड़ी कुछ करता है, कोई बात हुई या मेरे यार प्रधानमंत्री है 2029 का, सुन रहा होगा सारी बात। ओ नहीं सारी जिंदगी बनता हूँ मेरे पास एफिडेविट लुआ ले चल तो लुआ एफिडेविट साली दिया भाई। मनमोहन बनाना ये तो मनमोहन बनाना बता रहे। क्या नाम है जी? बताओ क्या नाम? जैनपाल है। बताते नहीं जैनपाल है नाम तो। जैनपाल जी क्या हो रहा? ठीक हो रहा बीजेपी के उसमें काम सही चल रहा है? सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई से बिजली से पानी से कोई समस्या नहीं ना? जैसी महंगाई बढ़ रही है उसी रेट बढ़ रहे। भाई नौजवान है, नौजवान से बात कर ले। क्या नाम है भाई? गौरव। गौरव भाई एक बात बताओ, क्या है कि बेरोजगारी जो बात चलती है हरियाणा में पंजाब में और तमाम जगह की, लोग बाग बाहर जा रहे हैं नौकरियां करने, ऐसा सच में है कि नहीं? भाई जो काम ही नहीं करेंगे तो वे तो बेरोजगारी मरेंगे। अच्छा काम करेंगे तो रोजगार भी होगा कड़ी। अच्छा तड़की जाला ठेके पर कड़े तो रोजगार आ जाएगा। अच्छा रोजगार करो पसीना बहाओ अपने आप नहीं खाना होगा, अपना आप मिल जाएगा रोजगार। बिल्कुल मतलब मेहनत करेंगे तो मिलेगा। मिलेगा भाई, हिम्मत कर सरकार दे लागे। सरकार क्यों देगी, हम कमाओगे जिप मिलेगी। अच्छा और दीपेंद्र हुड्डा कह रहे मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबको बढ़िया से व्यवस्थाएं करेंगे, 2 लाख नौकरियां भी कह रहे देंगे। भाई तो इनके 70 साल राज करके जीव तहीब लगनी मिल है जी। बीजेपी वाले देनी लाग रहे। अच्छा ही न देनी पीछे दे दी न, 2 लाख तो पक्के करे, 2,25,000 तो। अच्छा और बोल, अर पार पीछे मारे मारे गांव में 85-86 बच्चे लाग रहे, हरे गांव में 100-100 बच्चे किसी में 85 किसी में 70 साल हो लिए इनकी नहीं सरकार थी, घर में किस किस के नौकरी है बताओ, देश का नाश ही नहीं हो गया कांग्रेस ने कराया है। अच्छा जी लो इधर भी आ जाओ, इधर भी लोग बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कांग्रेस वाले जो है ना ये तो बीमारी है, ये तो देश का नाश करने बुलाए गए। तो लो बता पीछे एक बात भैया, धारा 370 थी कितने साल हो लग रही थी, लग गया कोई इसके लो है ये राम मंदिर का मसला था, नल जाओ बैठे थे ये इन्हें मोदी ने फट दे चढ़ जा दिया। और बोल यू फौजी बैठे ने पूछ ले रहे। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी, क्या लग रहा है क्या होगा? बीजेपी मोदी की नीतियाँ बहुत बढ़िया बढ़िया। हाँ देश के लिए देखिए ये वीडियो। अच्छा ये देखो जी ये वीडियो देख रहे बैठ के हैं, कैसा लोकतंत्र चाहिए? ऐसा लोकतंत्र चाहिए, नेता चाहिए तो वेस्ट बंगाल इटली से आ जाएंगे, और बच्चे पैदा करने हो तो 12 बच्चे पैदा करवा लो। अच्छा और बाकी ये सारे ये मोदी की जो नीतियाँ ये तो देश को आगे ले जाने के लिए, विकसित भारत का जो सपना है ये मोदी कर सकता है। अच्छा और किसी के बस की बात नहीं है, और किसी के बस की बात नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर लोग थे, हमने इनसे बातचीत करी, इन्होंने अपनी राय रखी। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।